नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला और उनकी पत्नी अनु के बेटे जैन नडेला की सोमवार की सुबह जान चली गई है। वो 26 साल के थे और उनसे जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी बीमारी थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे घमासान के बीच रूस लगातार आक्रमण हो रहा है। कल रात से ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। खतरे को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी भारतीयों को आज ही कीव खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि जिसे जो साधन मिले वो लेकर कीव खाली कर दे। बता दें कि कीव में रूसी सैनिक सोमवार रात से ही लगातार हमला कर रहे थे। कीव पर कब्जे के लिए रूस काफी आक्रामक हो गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की विशाल सेना आगे बढ़ रही है। इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ है। अमेरिका कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने सोमवार को जानकारी दी है कि कीव के उत्तर में 40 मील यानी कि 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैनिक काफिला मौजूद है। रूस यूक्रेन संकट का आज छठा दिन है। रूस द्वारा किए जा रहे हमले ने यूक्रेन की स्थिति खराब कर दी है। लगातार हो रहे हमले के कारण काफी संख्या में सैनिकों के साथ आम लोगों के भी हताहत होने की जानकारी निकल करके सामने आई है। कई शहरों में हो रहे धमाके के बीच भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, तो वहीं वैसे लोगों की संख्या भी काफी अधिक है जो काफी डरे और सहमे हुए हैं। ऑपरेशन गंगा से जुड़ेगी भारतीय वायुसेना। C-017 एयरक्राफ्ट की होगी तैनाती। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन गंगा से जोड़ने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार वायुसेना के मोर्चे पर आने से न केवल बचाव कार्य में तेजी आएगी बल्कि बेहतर तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये भी खबरें हैं कि भारतीय वायुसेना कई C-17 एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन के लिए लगाने जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि फिलहाल राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने के प्रस्ताव को तैयार नहीं किया गया है। इस कारण ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न का मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे। झारखंड सरकार ने नीति आयोग के समक्ष एक बार DVC के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौता का मामला उठाया है। आयोग के साथ बैठक के दौरान इस समझौते को रद्द करने की मांग की गई है। सरकार ने झारखंड में स्थित विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों पर बिजली का करीब 1500 करोड़ बकाए की मांग की है। झारखंड के धनबाद और जामताड़ा के बीच बरकरार नदी में नाव हादसे में 14 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। ये पुष्टि नदी से 14 शवों की बरामदगी के आधार पर हुई है। 24 फरवरी की शाम बरादर नदी से नाव डूब गई थी। कहा जाता है कि उस पर 2 दर्जन के करीब लोग सवार थे। सभी धनबाद के निरसा से जामताड़ा जा रहे थे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उनाव झारखंड विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। इस बार बजट में सरकार गरीब और छोटे किसानों पर फोकस कर सकती है। सरकार गरीबों और किसानों को बड़ी राहत भी दे सकती है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया जा सकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए विशेष पहल भी की जा सकती है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की के बीच जोरदार बहस हो गई। एडम ने महिला सांसद और पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। इसके बाद प्रियंका ने अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी दिए हैं। बहस बढ़ता गया और फिर एडम ने शिवसेना सांसद से फोन पर बात करने का आग्रह किया, लेकिन वो मानी नहीं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने सोमवार को जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उत्सर्जन में कटौती नहीं की गई तो मानव की उत्तरजीविता, भोजन और पानी की कमी, समुद्र के ऊंचे स्तर से लेकर गंभीर आर्थिक क्षति तक भारत को गंभीर रूप से नुकसान होगा। पिछले 2 दिनों से यूक्रेन की फर्स्ट लेडी यानी कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर देशवासियों से भावुक अपील की है। फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की ने इंस्टाग्राम पर एक बच्ची की तस्वीर शेयर की है। इस बच्ची का जन्म एक शेल्टर में हुआ है। उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, इस बच्चे का जन्म कीव शेल्टर में हुआ था। ये पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में शांतिपूर्ण आसमान के नीचे होना था। ये वही है जिन्हें बच्चों को देखना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों से मार्च का महीना बेहद भाग्यशाली होने वाला है। इस महीने कर्मचारियों की मुराद पूरी होने की उम्मीद है। दरअसल लंबे समय से अटका हुआ एरियर केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के साथ मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने एरियर को सैलरी के साथ जोड़कर ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी फिक्स हो गई है, यानी कि अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। टाटा ग्रुप ने 14 फरवरी को तुर्की के इल्कर आईसी को एयर इंडिया के सीईओ पद से
ऑफर दिया है और एल्कर आईसी को सीईओ नियुक्त किया जाना था। अब सीईओ की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एल्कर आईसी ने टाटा ग्रुप के ऑफर को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि भारत की मीडिया ने उनकी ज्वाइनिंग को अलग रंग दे दिया है। हीरो इलेक्ट्रिक ने मंगलवार को घरेलू बाजार के लिए एक नए दोपहिया मॉडल हीरो एडी का अनावरण किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करना आसान है और ये कम दूरी की यात्रा के लिए आदर्श है। झारखंड के गढ़वा जिले के जहां कस्तूरबा स्कूल के लिए विभिन्न सामग्रियों की खरीद में अनियमितता के मामले में 16 वार्डन और लेखपाल को शिक्षा विभाग सचिव के आदेश पर गढ़वा डीसी राजेश कुमार पाठक ने बर्खास्त कर दिया है। एंटोनोव 225 या दुनिया के सबसे बड़े विमान एएन 225 को यूक्रेन रूस युद्ध में नष्ट होने से पहले इंजीनियरिंग चमत्कार होने का दावा किया गया था। विमान ने अपने संचालन के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए हैं और इसे मीरिया नाम दिया है, जिसका अर्थ यूक्रेनी में सपना है। कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने देश में बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि महीने की पहली तारीख शुरू होते ही मोदी सरकार ने लोगों की जेब पर महामहंगाई का डंका डाला है, लूटो और कमाओ। उन्होंने गैस सिलेंडर की कीमत बताते हुए कहा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हमेशा ही महंगाई रही है। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इसकी दवाई भाजपा की हार है। विदेश विभाग के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अपनी अनुपस्थिति के बाद अमेरिका ने भारत के साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा की है और इसके साथ निरंतर संचार बनाए रखता है। टाइटन कंपनी के शेयर बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पसंदीदा पोर्टफोलियो स्टॉक में से एक है। टाटा समूह की इस कंपनी में वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की कुल मिलाकर 5.09% हिस्सेदारी है। पिछले एक सप्ताह में टाइटन के शेयर तेजी से भाग रहे हैं। कचुआ बादाम के सिंगर भुवन बाइटकर सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपने गांव कुराल जुरी में सोमवार रात कार सीखने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक भुवन अपने ट्रेनर के साथ कार चलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया और वो नियंत्रण खो बैठे और सड़क किनारे एक लैंप पोस्ट से जा टकराए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन नाटो भी कूद पड़ा है। अमेरिका समेत नाटो देश की तरफ से यूक्रेन को हथियारों से लेकर रकम तक मदद के तौर पर दी जा रही है। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई देशों ने इस जंग के बाद से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर भारत सरकार को अब तक के रुख का रूस ने स्वागत किया है, लेकिन भारत की मीडिया से नाराज है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूर्वी यूक्रेन पर भारत के रूस रुख का स्वागत किया था। भारत में रूस के कार्यकारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू से कहा था कि पूर्वी यूक्रेन पर भारत की प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वतंत्र रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के साथ साथ अब झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में भी विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर चुका है। सोसाइटी में अनुबंध पर होने वाली नियुक्ति के लिए 15 मार्च तक झारखंड सरकार के रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। एक तरफ जहां गैस सिलेंडर और दूध समेत रोजमर्रा के सामान पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है, वहीं इसी बीच दालों की कीमतों में गिरावट आई है। दाल की कीमतों में आई गिरावट से आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। मूंग और उड़द समेत कई दालों की कीमत में कटौती की गई है। यूक्रेन संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ही वरुण गांधी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके अपनी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वरुण द्वारा शेयर किए गए वीडियो को राहुल गांधी ने भी कुछ घंटे बाद शेयर करके सरकार पर सवाल दागे। इससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि यूक्रेन मुद्दे पर दोनों एकजुट है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि हर आपदा में अवसर नहीं खोजने चाहिए। जनवरी महीने में खत्म हुए चर्चित रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के 7 शार्कों में शामिल अश्नी ग्रोवर ने अपनी कंपनी भारत पे से इस्तीफा दे दिया है। अश्नी ने ही 2018 में भारत पे की स्थापना की थी। वो कंपनी के सीईओ और को फाउंडर थे। 3 दिन पहले ही वो ये खबर ऐसी सामने आई थी कि उनकी पत्नी माधुरी जैन को भी कंपनी ने निकाल दिया है। अब खुद अश्नी की भी अपनी ही कंपनी से छुट्टी हो गई है। आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक कमोडिटी प्रक्रिया में उछाल से पाकिस्तान के लिए संघर्ष और बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सीईओ एहसान माली ने कहा है कि हमने देखा है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है।
स्टॉक मार्केट्स में आई हालिया गिरावट में माहौल थोड़ा निराशाजनक है। उधर रूस और यूक्रेन क्राइसिस ने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन देर सवेर यह चिंता खत्म होगी, फिर स्टॉक मार्केट में हालात सामान्य हो जाएंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सीईओ एहसान माली ने कहा है कि हमने देखा है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर चुका है। रूस यूक्रेन जंग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की इमरजेंसी बैठक में भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने 11वें आपातकालीन विशेष सत्र में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि नई दिल्ली का दृढ़ विश्वास है कि कूटनीति के रास्ते पर लौटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनू कुमार, रोहित सिंह, रोहित शर्मा, रघुनाथ प्रसाद, अमित कुमार पासवान, जितेंद्र ठाकुर, गौतम कुशवाहा, ऋषि कुमार, रविशंकर कुमार, सौरभ सिंघाना, रविशंकर सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। जिन भी यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया होगा उनका हम नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकाले जाने की पहल से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।